finally we are ready to leave. We are off to McLeodganj. And ये रही हमारी बाइक. हम लोग जा रहे हैं भक्शुनाग वाटरफॉल. वो देखो याक याक. हम लोग पहुंच चुके हैं भक्शुनाग वाटरफॉल और इस तरह का कुछ सेटअप है यहाँ पे बनाया गया. उधर से आ रहा है पानी, ऊपर से वो नहाने के लिए उधर बना है. इन्होंने फेर दिया हमारे सारे अरमानों पे पानी. यहाँ कोरोना महामारी के चलते पूल में नहाना मना है. हम बड़ी उम्मीदों से आए थे पूल में नहाने. बिल्कुल रेडी थे हम कि बिल्कुल रेडी मतलब नहाएंगे और फिर मंदिर के दर्शन करेंगे ऊपर, लेकिन ऐसा हो ना पाया. पर हम आपको मंदिर के ही दर्शन करने पड़ेंगे तो हम नहा तो पाए नहीं. इतना अच्छा पूल था, मतलब नज़ारे ही आ जाने थे. पर चलो क्या कर सकते हैं, अब मंदिर की तरफ चलते हैं. हम लोग आ चुके हैं चर्च. कौन सा नाम है, सेंट जॉनसन चर्च पता नहीं, यही होगा शायद, ध्यान नहीं दिया मैंने. ये अच्छी लोकेशन है. बाकी भक्शुनाग में तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मार्केट है घूमने को. मैक्लोडगंज अगर मार्केट घूमना चाहते हो आप तो वो है. अगर होटल अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो होटल आप यहाँ से पीछे लोगे तो बेटर रेट पड़ेगा आपको. अगर यहाँ पे लोगे तो महंगे बहुत हैं यहाँ पे. बाकी खाना वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी महंगा है, तो अफोर्डेबल अगर आपको चाहिए तो मैक्लोडगंज से पीछे होटल लेना. बाकी हम लोग आए हैं पीछे और आज चर्च जाती वारी हमारे को दिखा नहीं था. ये है ना, काफ़ी रश है यहाँ पे भी. पीछे से चले, खरगोश भी है यहाँ मेरे यार. होगा कि खरगोश वाले 100 रुपये देने पड़ेंगे. अच्छा है, साफ सुथरा चर्च के पास भी यार, साफ सुथरा होता है वैसे, है ना. मंदिरों के बाहर ही होता बुरा. काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पे घूमने के लिए. पर ऑफ सीज़न आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सीज़न टाइम में तो यहाँ बहुत ही हाई रेट होंगे. टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है बर्फ़ में. रोड्स वगैरह बंद हो जाते हैं. बाकी वैसे चर्च के अंदर हमारी एंट्री हुई नहीं, तो अगर आप लोगों ने देखना है तो यहीं आके देख सकते हो. अंदर फ़ोन एंट्री तो हुई पर अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो फ़ोन वगैरह हम ले जा नहीं सकते थे. पर अच्छा है अंदर से देखने के लिए. थोड़ी देर ही बैठोगे शांति में तो आपको अच्छा लगेगा. हम लोगों के थोड़ा कहीं और जगह भी जाना है तो हम लोग ज़्यादा बैठे नहीं. तो ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचना है. अभी हम जा रहे हैं डल लेक, देखते हैं वहाँ कैसी. बाकी थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह लेते हैं फिर यहाँ से आगे चलते हैं अगली लोकेशन की तरफ. और क्या यहाँ पे घूमने के लिए देखते हैं, बताते हैं आपको कहाँ कहाँ आप जा सकते हो. ने अमन भाई की क्या अच्छी फोटो ली है, क्यों? एक मिनट देना. फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं डल लेक एंड इट इज 2.5 किलोमीटर फ्रॉम मैक्लोडगंज. एंड बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत प्यारी जगह है. हम लोग पहले सबसे पहले यहीं पे आने वाले थे पर फिर हम लोग चले मैं दलाई लामा टेम्पल घूम के आते हैं. पर दलाई लामा टेम्पल पिछले 2 साल से बंद है तो हम वहाँ पे जा नहीं पाए. लोगों ने बोला कि वो बंद है, फिर हम वहाँ पे गए नहीं. फिर हम गए थे भक्शुनाग वाटरफॉल पर वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा खास घूमने को है नहीं. हम लोगों ने मंदिर में दर्शन करे और बाकी वहाँ पे जो वाटरफॉल है स्विमिंग पूल के लिए हम मेनली उसके लिए वहाँ पे गए थे. पर वहाँ पे बंद है वो भी कोविड की वजह से, तो वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं. इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट करा बाजार में. हाँ, अगर एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे स्टे करने आ रहे हो ऑफ सीज़न में भी तो ना मैक्लोडगंज स्टे ना करना. अगर आप बजट ट्रैवलिंग करते हो, मैक्लोडगंज इज़ सो मच कॉस्टली. यहाँ पे बहुत महंगे आपको होटल मिलेंगे, बेकार से बेकार होटल भी 600-700 में आपको कमरा मिलेगा. 800 तक की रेंज में उससे सस्ता कोई होटल नहीं मिलेगा. अगर आप बढ़िया क्वालिटी का चाहते हो तो 1000 से ऊपर ही मिलेंगे, 1500 के आसपास.
पर अगर आप यहाँ पे घूमने आ रहे हो तो आप धर्मशाला स्टे कर सकते हो। धर्मशाला से ये पूरा एरिया घूमने के लिए 10-15 किलोमीटर होगा, तो वहाँ से आप आराम से टैक्सी करके या फिर ऑटो करके घूम सकते हो। अगर आपके पास बाइक है, यहाँ पे बाइक रेंट पे भी मिल जाती है। रेंट पे बाइक लेने का एक फ़ायदा हो जाएगा, अगर आप त्रिवेणी ट्रैक जाना चाहते हो तो जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहाँ तक बाइक पर जा सकते हो। करेरी लेक बाइक घूमने बाइक पर जा सकते हो, डल लेक घूमने बाइक पर आ सकते हो। तो सिर्फ आपका तेल का खर्चा आएगा, टैक्सी में बराबर मतलब इक्वली पड़ेगा, आप बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। जहाँ पर जैसा आपको प्रेफर बैठता है आप वैसा कर लेना। बाकी थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद चलेंगे। बहुत अच्छी जगह है खुद के साथ बैठने के लिए, एक शांति सी है यहाँ पे, आराम से रिलैक्स होकर आप बैठ सकते हो। बैठने के लिए यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, ये गोल है पूरा लेक, बीच में लेक है, पल्ली पल्ली साइड बैठने के लिए लगे हुए हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे बैठ सकते हो। या अगर बैठना नहीं है आपने तो यहाँ पे घूम फोटोज़ वगैरह लेके आप अगली लोकेशन पे जा सकते हो। अच्छी जगह है घूमने के लिए। बाकी यहाँ का आपका मैं नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा नज़ारा है। तरीके का व्यू है कुछ यहाँ से, ये रही नीचे लेक और ये ऊपर को सब। भाई आपकी है टैक्सी? टैक्सी आपकी है? कितना किराया ले लेते हैं यहाँ से मैक्लोडगंज से? हाँ अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो टैक्सी पड़ेगी आपको तकरीबन 200 रुपीज़ की। बाकी भाई की टैक्सी का नंबर है 6357। इन भाई से लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। क्यों भाई, आप लोकल है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और क्या क्या जगह है यार यहाँ पे घूमने के लिए? यहाँ पे आपका नट्टी होगा, वहाँ पे व्यू पॉइंट और सनसेट पॉइंट होता है शाम को ना। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2.5 किलोमीटर होगा। 2.5 किलोमीटर। और क्या क्या है? करेरी लेक के लिए पैदल ट्रैक है, यहाँ से गाड़ी आएगा कि करेरी विलेज तक जाएगी ना, गाँव है करेरी विलेज। हाँ हाँ, गाड़ी आएगी उससे आगे ट्रैक है। करेरी विलेज में है कुछ घूमने को? लेक वगैरह करेरी में व्यू वगैरह है, बाकी लेक है वहाँ के ऊपर। लेक तो ऊपर ही जाके है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। क्या नाम है भाई का? चलो बढ़िया लगा यार भाई मिलके, मिलते हैं आपसे ठीक है। ये भाई थे यार, इनसे टैक्सी वगैरह का पता कर रहा था मैं, 400 रुपये लेते हैं ये अप डाउन करने के, बाकी डिस्काउंट हो जाएगा दोनों साइड के लिए लेंगे। नाउ वी आर रेडी टू गो। हम आ गए हैं बक्शुनाग मंदिर द्वारा से, बिकॉज हम लोग वाटरफॉल नहीं गए थे और हमको लगा वाटरफॉल कहीं पे और कहीं और है, पर वाटरफॉल का रास्ता यहीं से जाता है, यहाँ लिखा है वे टू वाटरफॉल। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मंदिर से ही रास्ता है वाटरफॉल के लिए, पर हम लोगों को पता नहीं था तो हम लोग दोबारा वापस आए हैं यहाँ पे वाटरफॉल देखने के लिए। बाकी कुछ मार्केट भी है यहाँ पे बैक साइड में। तो हम लोग जा रहे हैं बक्शुनाग क्या यार ये नाम भूल जाते नाग वाटरफॉल, एंड काफ़ी ऊपर है, समय लगेगा हमारे को पहुँचते। एक बार आपको, हमारे पास समय ही समय है। व्यू दिखाइए। कुछ दिख नहीं रहा है खास, ऐसे नहीं बैक, मैं दिखाता हूँ आपको व्यू, बहुत तगड़ा व्यू है यहाँ। यहाँ से वो देखो, वो ऊपर जाके है वाटरफॉल, दिख नहीं रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ। पर ये कितने का है? कितने के हैं आप? यहाँ इस तरह की मार्केट है और ये छोटा वाटरफॉल, वाटरफॉल ये है नेचर्स रेफ्रिजरेटर। यहाँ कुछ खाने पीने के लिए भी कैफेज बने हैं, वापसी में देखेंगे मन करा तो। मेन रास्ता वैसे वहाँ से ऊपर से, पर इन्होंने बोला यहाँ से चलेंगे तो हम यहाँ। भाई अब इसके ऊपर है झरना और क्या कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त, पर यहाँ थोड़ा सा लैंडस्लाइड आ रहा है ऊपर से, तो यहाँ हम रिस्क नहीं लेंगे। और पसीने पसीने पड़ेंगे? पसीने पड़ेंगे, वो देखो कहाँ से आए हैं, एक बार दिखाओ। वो देखो वो नीचे से आए हैं हम, फुटपाथ करते हुए, शरारती वाले काम, मुंह हमारे हो गए हैं लाल, और जाना है हमने वो वाटरफॉल पीछे। क्या सुंदर लग रहा है यार, अल्टीमेट नज़ारा है। घूमने आए हो तो ट्रैकिंग नहीं करी, एंजॉय नहीं करा तो क्या फ़ायदा घूमने आने का। अभी हमने वहाँ जाना है, यहाँ से बहुत दूर लग रहा होगा, फिर पहुँच गए हैं। अब हम चलते हैं वहाँ पे, एक दो फोटोज़ लेंगे यहाँ पे, वहाँ से हमें वापस जाना पड़ा फिर हम। हाँ आगे चलते, हाँ आगे, हाँ आगे चलते। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस नीचे मैक्लोडगंज की तरफ। बहुत ठंडा ठंडा पानी है यार यहाँ पे, मतलब पैर बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, पर अब शूज़ डाल के लग रहा है कि पैर गर्म है। यहाँ पे धूप चली गई थी जिस टाइम हम पहुँचे। अगर यहाँ पे यार दिन में आए ना धूप के टाइम तो यहाँ सही है। यहाँ अगर आपने नहाना हो तो आप नहा सकते हो, दिन के टाइम सही है यहाँ पे नहाने के लिए। ठंडा पानी है इस टाइम तो, बहुत ठंडा है इस टाइम तो। थोड़ी देरी में तो यहाँ अंधेरा भी हो जाएगा, धूप सारी चली गई है तकरीबन अब तो। यहाँ पे धूप पे ही आगे फायदा है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सबसे पहले यहीं पे ही विजिट करो।
यहाँ पे बाढ़ आई थी शायद इसी साल बरसात में या पता नहीं पिछले साल, यहाँ पे इसी साल आई थी। यहाँ पे ख़त्म हो गया था सब कुछ, ये दोबारा से बनाया गया है, जो शॉप्स वगैरह बनी है ऊपर वो दोबारा से बनाई गई है। यहाँ पे बाढ़ आई थी बहुत तगड़ी, नीचे ये जो पत्थर नीचे गए हैं जहाँ से हम आ रहे थे ये तभी गए हैं, बाढ़ आई पहले ये ऐसे नहीं थे, लग भी रहा है देख के कि ये भी अभी अभी गिरे हैं। और ये वैसे अंदाजा मार रहे हैं, इनको पक्का कंफर्मेशन नहीं है, ये पहले से भी यहाँ कुछ पत्थर थे। नहीं मैं पहले आया नहीं हूँ, पर यू नो माय आइडियाज आर ऑलवेज एक्यूरेट। ठीक है चल आना जाना। इनका कंटेंट खत्म हो जाएगा इसलिए इनको ना ऐसे फालतू फालतू चीजें भी इसमें डालनी पड़ रही है। की बात नहीं, इन वीडियोस को देखेंगे वो समझदार हैं। वो सोच रहे थे यही है यहाँ की फेमस, इसको बोलते हैं सिंगिंग बाउल्स। ये कितने का है? 350, 350। ये तो साइज में तो फर्क है, ये भी 350 का है। इसको बजाओ, इसमें कुछ लग साउंड आती बड़े थोड़ा अच्छा है। देखो पकड़ो मैं, कुछ इस तरह की मार्केट है यहाँ पे, सामान वगैरह ले सकते हैं आप। हमने ये लिए हैं, ओम की साउंड देते हैं कटोरे जैसे, ये लिए हमने, हमारे को पड़े हैं बार्गेनिंग वगैरह करके 800-900 को। तो अच्छी मार्केट है, कैफ़े वगैरह काफ़ी है यहाँ पे खाने पीने के लिए, ले सक खा सकते हो आप आराम से। कॉस्टली तो होगा ही, टूरिस्ट प्लेस है। मॉर्निंग आई जहाज है 17 नवंबर 2021, और आज हम लोग जा रहे हैं अपने ट्रैक की तरफ जो कि है त्रिवेणी ट्रैक। एंड शाम को मैं व्लॉग एंड करना भूल गया था, लेट हो गए थे, खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग रूम आ गए थे। तो आज हम इस रूम को भी चेकआउट कर रहे हैं, हम नेक्स्ट रूम देखेंगे, नेक्स्ट होटल देखेंगे, इसके बाद हमने कहाँ पे जाना है। एंड इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, अगर यहाँ तक आपने व्लॉग देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलना, और बताना आपको व्लॉग कैसा लगा और व्लॉग में क्या क्या कमी थी, नेक्स्ट व्लॉग में उसको इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक अलग वीडियो के अंदर एंड अलग ट्रैक के ऊपर।